हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम FRI जा रहे हैं, जो कि देहरादून का सबसे फेमस शूटिंग पॉइंट है। FRI को हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड के नाम से भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, फिर आपको FRI का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आप घूमने भी आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप देहरादून के हो तो आप ज़रूर घूमने गए होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1, पार्ट 2, कृष्णा कॉटेज जैसे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो हम ISPT देहरादून से FRI को जा रहे हैं। अभी ISPT से FRI तक 8 किलोमीटर की दूरी है। आप ISPT से बस या विक्रम, ऑटो या अपनी गाड़ी से आसानी से जा सकते हैं। हमें ISPT से FRI तक आधे से एक घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो हम FRI गेट के सामने हैं, जहाँ टिकट काउंटर है कटिंग में ही। अगर आपको अंदर पूरा देखना हो तो आप टिकट भी ले सकते हैं। गेट से कुछ दूरी पर FRI बने हैं। इसके अंदर भी आप कार, बाइक, ऑटो कुछ भी लेकर जा सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा दूर है और अगर आप पैदल जाना चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इसके दो रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है। आप देख रहे हैं रास्ते में कुछ लोग पैदल भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखकर समझ ही गए होंगे कि FRI गेट से कितना दूर है। FRI के सामने पहुंच चुके हैं। आपको हम दिखाएंगे कितनी सुंदर इमारत बनाई गई है। ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाई गई थी और यहाँ फॉरेस्ट्री की पढ़ाई भी होती है। अंदर जाकर 5 म्यूज़ियम भी बनाए गए हैं। FRI पिकनिक स्पॉट, फॉरेस्ट्री स्टडी, हिस्टोरिकल जैसे चीज़ों के लिए बहुत फेमस माना गया है। आगे जाकर गाइड मैप भी बना है, जिसे देखकर आप म्यूज़ियम का भी पता लगा सकते हैं। आप सुबह के 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी घूमने आ जा सकते हैं। म्यूज़ियम में आप लोगों को कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी जो अंग्रेज़ों के टाइम की है। आपको पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। यहाँ म्यूज़ियम में कई सालों पुरानी चीज़ें भी रखी गई है, जो देखने में बहुत ही रोमांचक है। बाकी आपको गाइड मैप और बाहर दिए गए इंस्ट्रक्शन से कुछ चीज़ों का पता भी चल जाएगा। बताया जाता है FRI की बिल्डिंग कोई मामूली सीमेंट से नहीं बल्कि लखौरी ईंटों से बनी हुई है, जो कई प्रकार के ताल से मिलकर बनाई जाती है। FRI की सुंदरता देखने काफ़ी लोग आते हैं यहाँ घूमने।
दिखा रहे हैं तो आप महकमा म्यूजियम भी पता कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 म्यूजियम बना है। अगर आपने टिकट लिया है आप मीनार देख रहे होंगे कितनी ऊंची और सुंदर दिखाई दे रही है। पैराइन में कम से कम 2 मीनार हैं जो बिल्डिंग के डिजाइन को और भी सुंदर और अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। बाय बाय।